अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इसे मैं बनाने वाली हूँ। चलें फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़रूर देखें एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन लिए हैं बोनलेस, आप चाहें तो बोन भी ले सकते हैं। और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक एज़ रिक्वायर्ड, आप इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स या फिर आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून। अब इसमें जाएगा दही 1 टेबल स्पून, लेमन जूस या फिर आप विनेगर भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, अब इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/3 टीस्पून, अजवाइन ज़रूर से डालें, कोरिएंडर धनिया 1/2 टीस्पून क्रश कर लें आप, बेसन 2.5 टेबल स्पून, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट साइड कर देंगे। चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल को अच्छे से हीट होने के लिए रख दिया है, बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। और अब इसमें चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे चिकन पीसेस इसमें ऐड कर दिए और फ्लेम को मैंने लो कर लिया है। जब एक साइड का अच्छे से कुक हो जाए तो उसे फ्लिप कर देना है पलट के, फिर दूसरे साइड को भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। जब आप देखें कि ये गोल्डन ब्राउन में कलर चेंज हो गया है तब इसे आप निकाल लें। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब सारे चिकन पीसेस को पलट के फिर 4 से 5 मिनट और फ्राई करेंगे। और आपको हीट जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है। ये देखें चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब सारे चिकन पीसेस निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़ा तैयार है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, ये देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए मैं इसे ट्राई करके बताती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, अंदर से एकदम जूसी और मॉइस्ट है, इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर का ये चिकन पीसेस जो है बहुत सॉफ्ट है और बाहर से जो है क्रिस्पी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप अपने फेवरेट सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करें। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें और जो मेरे चैनल में न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।